नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे उन पर पूरा भरोसा है सुमित। भाभी भैया पर मुझे भी भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब कानून के आगे कोई क्या कह सकता है, हमें तो ये सोचना है कि आगे क्या करना है। सुमित किसी भी तरह उन्हें छुड़ा कर लिया। छुड़ा तो लेंगी भाभी, अरे भैया ने कोई जुर्म थोड़ी किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया कि पुलिस उन्हें इतना परेशान करे, वो रिहा हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कब रिहा होंगे? अरे भाभी हर हाल में वो छूट जाएंगे। अरे भैया ने कोई मर्डर थोड़ी ना किया कि हम इतना डरे, डरना तो मुजरिम को चाहिए। मैं और बाबूजी आज ही जाकर भैया को छुड़ा कर लाएंगे, आप अपने आप को संभालिए। अरुण को पुलिस पकड़ कर ले गई, इसलिए आप परेशान हैं? और क्या, परेशानी वाली तो बात ये है, आज तक विशंबरा दीवान का परिवार पुलिस के नाम से भी दूर था, और आज उनका बेटा पुलिस लॉकअप में है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कम से कम 4 दिन से पहले नहीं छूटने वाला, इतने बेबस हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं, सुमित और बाबूजी तो कोशिश कर रहे हैं। वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूं, वही तो सोच रहा हूँ, कोई जान पहचान वाला वकील भी तो नहीं है, और ना कोई सोर्स ऐसा है जिससे मैं उसकी जमानत करा सकूं। एक बात कहूं, आप बुरा मत मानना, आप अरुण के बड़े भाई हैं, मैं बड़ी भाभी हूँ, और उनको छुड़ाना हमारा फर्ज है, लेकिन दुनिया में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। सुभद्रा तुम? मैं सच कह रही हूँ, अरुण ने बिजनेस शुरू किया लेकिन घर में 1 रुपया भी नहीं दिया, वो क्या करता है उन पैसों से उसका हिसाब भी नहीं दिया उसने, सारी कमाई लाकर अपनी बीवी को देता है। अब छोड़ इन बातों को। क्यों छोड़ू, देवयानी इसी बात पर तो अकड़ती है, मुझे आकर कह रही थी कि मैंने नया फ्रिज लाया है, इंस्टॉलमेंट पर नहीं अपनी कमाई से लाया है, बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी मुझे, गलत काम के रुपयों से आदमी फ्रिज तो क्या सारी दुनिया भी खरीद सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा भाई गलत काम करता है, ऐसी बातें सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माना कि वो गलत नहीं है, लेकिन धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, पुलिस घर में आई गिरफ्तार करके ले गई, कोई ना कोई बात जरूर होगी। अब ये वक्त इस तरह की बातें सोचने का नहीं है, अब हमें सोचना यह है कि हमें अरुण को कैसे बाहर लाना है। भाभी धीरज रखिए, अरुण भैया बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। भाभी हम वकील से भी मिले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अरुण भैया को कुछ नहीं होगा, हमें भी तो उनकी फिक्र है, और हमने इंस्पेक्टर से भी बात की है, वो कहता है कि अगर अरुण भैया बेकसूर हैं तो उन्हें रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हर हालत में अरुण को छुड़ाकर यहां ले आऊंगा, बेटी से ले जाओ। सुमित बेटे बहू के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े जुर्म करते हैं और जमानत पे रिहा हो जाते हैं, और अरुण पे तो इल्जाम लगा है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, मैं उसे छुड़ा दूंगा। वकील साहब आप ये कोशिश कीजिए कि जमानत आज ही हो जाए। आज तो नहीं हो सकती, आज कोर्ट बंद हो गया, अब तो ये 4 दिन के बाद ही कुछ हो सकता है। 4 दिन? क्या 4 दिन तक अरुण भैया जेल में बंद रहेंगे? मैं मजबूर हूँ, कल सैटरडे है, परसों संडे, और उसके बाद 2 दिन बैंक हॉलीडे। फकीर साहब प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए। देखिए एक ही बात हो सकती है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से जमानत के पेपर पे साइन करवा के लाए तो बात बन सकती है। तो आप जाइए ना मजिस्ट्रेट के पास। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत ऊंचे पहचान की जरूरत है। आप हमारे वकील हैं, हम वर्षों से आपसे ही काम करवाते आ रहे हैं, अब हम किसके पास जाएं? सही है मैं वर्षों से काम कर रहा हूं, मगर मेरी पहचान ऊंचे लोगों के साथ नहीं है। देखिए मैं एक ईमानदार वकील हूं, मैं उल्टे सीधे काम करता नहीं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता हूं। ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। मजिस्ट्रेट बहुत ही खतरनाक आदमी है,
वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। हाँ, एक आदमी है जिसकी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, उससे मिलने से बात बन सकती है। कौन है वो? के गुप्ता। नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकता। क्या उससे मिले बगैर ये काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। उसके बिना आपके भाई को रिहाई नहीं मिल सकती। 4 दिन तक अंदर ही रहेगा। आपकी गुप्ता जी से कोई दुश्मनी? छोड़िए, मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। 4 दिन अरुण लॉकअप में बंद रहेगा ना, तो आपकी बहुत बदनामी होगी और पुलिस का कोई भरोसा नहीं। उल्टा सीधा केस लगा के हमेशा के लिए उसे हवालात में बंद कर दे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कोई भी इल्जाम लगा देगा? देखिए, इस जमाने में सब कुछ मुमकिन है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कानून के रक्षक सब एक जैसे नहीं होते। जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है, जहां ईमानदारी है वहां पे बेईमानी भी है। मैं तो कहूंगा कि आप अरुण को छुड़ा लीजिए। ठीक है, मैं सोचता हूं। हेलो गुप्ता जी, वो आया था। हाँ, आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके घर का पता बता दिया उनको। थैंक यू शर्मा। थैंक यू क्या बात है गुप्ता जी, आप इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं। आपको कोई इनकार कर सकता है? आपको इनकार करके कोई इस शहर में रह सकता है? नहीं, कोई वकालत नहीं कर सकता है। बहुत समझदार हो। वैसे मुझे मालूम था अरुण अंदर है तो घर का कोई आदमी छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम उनके पुराने वकील हो। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया था। शर्मा, वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि उसे छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मेरे कहे अनुसार काम किया। भाई, मैंने तो ऐसा इंतजाम कर दिया है कि शहर का कोई भी वकील इस केस को लेने से इनकार कर देगा और मजबूर होकर उन्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। के गुप्ता से दुश्मनी लेने चला था। राज, देखी मेरी प्लानिंग? मान गया गुप्ता जी। के गुप्ता जब शतरंज खेलना शुरू करता है ना राज, तो पहली चाल चलने से पहले आखिरी चाल सोच लेता है। मैंने अरुण से कार डीलिंग का बिजनेस ऐसे ही नहीं शुरू करवाया था। मुझे आज का दिन मालूम था, इसीलिए तो मैंने ये चाल चली। गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि विशंबरनाथ दीवान आपके पास आएगा? औलाद के लिए माँ बाप अपनी जान तक दे देते हैं, फिर वो मेरे पास चलकर क्यों नहीं आएगा? ये भी तो हो सकता है कि शहर का कोई और वकील उसे छुड़ा ले। कोई दूसरा वकील नहीं छुड़ाएगा राज, और वैसे भी अभी तक शहर के सभी वकीलों को पता चल चुका होगा, और किसी वकील की शामत नहीं आई जो वो मेरे खिलाफ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, विशंबरनाथ दीवान मेरे पास चलकर जरूर आएगा, और तब मैं उसके सामने शर्त रखूंगा, और उस शर्त की बिना पर अरुण रिहा होगा। क्या सोच है आपकी, अब तो आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। आपका भाई रिहा हो जाएगा और आपका बेटा आपके पास आ जाएगा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन विशंबरनाथ दीवान आदमी बहुत जिद्दी है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब तक वो मेरी शर्त नहीं मान लेता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। गुप्ता जी, एक बात कहूं? एक बाप अपने बेटे के आंसू बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बहू की आंखों में आंसू वो नहीं देख सकता। विशंबर बेटे, कुछ कर, पर मेरे अरुण को छुड़ा कर ला। मैं क्या कर सकता हूँ माँ? कोर्ट अगर खुला होता तो कुछ कर सकता था, लेकिन 4 दिन तक कोर्ट बंद है, मैं क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बाबूजी। हमने हर कोशिश करके देख ली, मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। बाबूजी, आप कोई बड़ा वकील क्यों नहीं करते? मैंने वो भी कोशिश करके देख ली, कोई बड़ा वकील इस केस में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ भी नहीं आता लोग ऐसा क्यों कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि केस बड़ा टेढ़ा है, जमानत नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरे पति की जमानत होगी नहीं? क्या वो जेल में ही पड़े रहेंगे? क्या वो मुजरिम है? बाबू जी, हमारे घर में इतने लोग हैं, मेरे पति को, मेरे सुहाग को छुड़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है।
तुम सही कह रही हो बहू, हम लोग हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बाबूजी, कोशिश से काम नहीं होगा, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जल्द से जल्द। भगवान ना करे अगर अरुण को पुलिस ने किसी और केस में फंसा दिया तो। ऐसी बातें मत कीजिए भाभी, मुझे उम्मीद है अरुण भाई को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। आप टेंशन क्यों लेती हैं भाभी, जब अरुण भैया ने कुछ किया ही नहीं है, वो सच्चे हैं, तो डरने की क्या बात है? सुमित ठीक कह रहा है बेटे, अगर अरुण सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, वो वापस आएगा, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और अरुण सच्चा है। और फिर वकील ने भी तो हाथ उठा लिया, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, तो बाबूजी क्या करेंगे इसमें, अरुण को कैसे रिहा कराएं? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करूंगा। विशंभर, क्या कोई रास्ता नहीं है? मां आप तो एक ही रास्ता है जिसके हक में मैं नहीं हूं। कौन सा रास्ता? केके गुप्ता जो मेरा दुश्मन, जिसके भाई को मैंने सजा दिलवाई थी, लोग कहते हैं कि वही उसको छुड़वा सकता है, कहते हैं कि मजिस्ट्रेट से उसकी डायरेक्ट पहचान है, अगर वो चाहे तो आज के आज ही अरुण को छुड़वा सकता है। चाहिए ना, उनसे मिलिए, वो जितना पैसा मांगते हैं उतना दीजिए और अरुण को छुड़ा कर लाइए। नहीं बेटे, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबूजी, आपको इस वक्त अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं। भाभी, बाबूजी केके गुप्ता क्या नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, ऐसी क्या बात है? कह दिया ना कि बाबूजी नहीं जाएंगे, मैं बाबूजी को केके गुप्ता के सामने झुकने नहीं दूंगा। लेकिन बाबूजी, हम जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद हमेशा झुकते हैं, इसमें एतराज क्या है? बेटी, मैं दुनिया के आगे झुक सकता हूँ, लेकिन केके गुप्ता के सामने नहीं झुकूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, आपका अहंकार है। केके गुप्ता के भाई को आपकी वजह से सजा क्या हो गई, आप में अहंकार भर गया, और उस अहंकार की वजह से आप अरुण को छुड़वाने के लिए वहां नहीं जाएंगे। केके गुप्ता के पास जाकर क्या बाबूजी अपनी इज्जत घटा लेंगे, अपने दुश्मन की नजरों में जलील हो जाएंगे? बाबूजी ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक ही किया है। आप तो कभी नहीं समझेंगे, आपको तो मेरी खुशी कभी पसंद ही नहीं आती है। देवयानी, होश में रह के बात कर, वो तुझसे बड़ी है। हाँ बड़ी है तो क्या हो गया, हमेशा घर में कुछ ना कुछ होता रहता है और पीसती मैं हूँ। मेरी बेटी की सगाई टूट गई, बस मेरी बुराइयां शुरू हो गई। जिसका कलेजा जलता है ना, वही जानते हैं। वैसे भी 4 दिन बाद तो कोर्ट खुल जाएगा, अरुण छूट जाएगा, इतना तो सब्र करना ही चाहिए। सुभद्रा भाभी, अगर आप पे दिल पे गुजरती ना तब आप जान जाते। खबरदार जो मेरे पति के बारे में ऐसा कुछ कहा तो। देखा अपने साए पर पैर क्या पड़ा, आप अचानक भड़क उठी, और दूसरों की परवाह ही नहीं है। मैं तुम्हारे पति के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि अपने बाबूजी की इज्जत के बारे में सोच रही हूँ। हम यहाँ हल निकालने के लिए बैठे, झगड़ा करने के लिए नहीं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, पहले हम लोग किसी बात का हल निकालने के लिए बैठते थे तो हल निकाल कर ही उठते थे, आजकल एक बात का हल निकालने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है और बात वहीं की वहीं रह जाती है। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो तेरा पति बाद में है, पहले मेरा पोता है, उसे कैसे छुड़ाना है हमें सब पता है। हाँ मालूम है कैसे छुड़ाना चाहिए, देख रही हूँ ना कैसे छुड़ा रही आप। बहू कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम, आखिर वो मेरा बेटा है। पत्नी को पति से जितना प्यार होता है, उससे ज्यादा एक बाप को अपने बेटे से प्यार होता है, आखिर वो मेरा खून है। तुम क्या समझती हो मैं उसे यूं ही जेल में पड़ा रहने दूंगा? मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कैसी मजबूरी है बाबूजी, केके गुप्ता आपका दुश्मन है, आप उसके दुश्मन है, ये मजबूरी नहीं है, ये अहंकार है। आपको अपना अहंकार अपने बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, और उनको छुड़ाने के लिए मैं ही कुछ सोचती हूँ, मुझे आप में से किसी की जरूरत नहीं है। दीदी, दीदी, माफ कीजिए बाबूजी, देवयानी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस वक्त हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि अरुण भैया को कैसे छुड़वाया जाए। अगर उसके लिए आपको केके गुप्ता से मिलना पड़े तो मिल लेना चाहिए। जब हम लोग फैसला कर सकते हैं तो तुम लोगों को फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमको अच्छी तरह से पता है, हम कुछ भी करके भैया को छुड़वा लेंगे। बस यही सोचना है कि भैया भी रिहा हो जाएं और बाबूजी की इज्जत भी ना जाए। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ,
ऐसा ही कुछ करना चाहिए। इसमें क्या रास्ता हो सकता है, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा। अरुण भैया लॉकअप में है, उन्हें छुड़ाने का कोई तो जरिया होगा। भैया आप कुछ तो कोशिश कीजिए, आपकी इतनी जान पहचान है, आपके इतने सारे दोस्त हैं, क्या कर सकता हूं। सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है, ये बाबूजी की इतनी पहचान है, वो कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूं। आप बड़े भाई, आपको कुछ तो कोशिश करनी चाहिए, कोई तो रास्ता होगा जिससे अरुण भैया बाहर आ सकते हैं। अरुण भैया क्या सोचेंगे कि दोनों भाई के होते हुए उन्हें कोई छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। कौन कोशिश नहीं कर रहा, सभी तो कोशिश कर रहे हैं। मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग पे जोर डाल डाल के मैंने सोचने की कोशिश की कोई ऐसा वकील मिल जाए जो अरुण को छुड़ा के ले आए, रातों रात छुड़ा के ले आए, लेकिन नहीं मिल रहा। घर का हर आदमी परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आपको तो पता है कि दादी माँ की हालत कितनी खराब है, भगवान ना करे कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अरुण भी बेवकूफ है, अरे क्या जरूरत है ये सब करने की। क्या मतलब है आपका, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अरुण भैया गलत है, उन्होंने गलत काम किया। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, बस ये कहना चाह रहा था कि ना वो ये अलग बिजनेस करता और ना इस मुसीबत में पड़ता। अब ये सब सोचने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। भैया मुझे पूरा यकीन है कि अरुण भैया को फंसाया गया है, अरुण भैया ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, तो बाबूजी के गुप्ता के पास चले क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं अपना बयान वापस ले लेते, उसका भाई भी रिहा हो जाए और अरुण भी। नहीं भैया आप नहीं समझ सकते, वो नहीं जा सकते के गुप्ता के पास। क्यों नहीं जा सकते है? उसके भाई को छुड़ाने के लिए झूठा बयान नहीं दे सकते इसलिए। अरे ऐसी सच्चाई का क्या फायदा कि बेटा लॉकअप में सड़ता रहे। मैं तो उनकी इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूं, और सुनो अगर मैं होता ना उसी जगह तो मैं के गुप्ता पास जाता और उसका कहा मान लेता और अरुण भैया भी छुड़ा के ले आता। हर आदमी यही कह रहा है, लेकिन कोई बाबूजी की मजबूरी नहीं समझ पा रहा। अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। अरुण भैया अगर जेल में है, उनके साथ जो होना है होने दीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा और बाबूजी भी कोशिश करेंगे, हमें आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए। कमाल है, बाबूजी जिद पे अड़े हुए हैं, गलत कर रहे हैं, ये बात सुमित को समझ नहीं आ रही।